हेलो गाइस, क्या आपको पता है कि इंटरनेट आता कहाँ से है और किस तरह से ये काम करता है? तो चलिए आज मैं आपको बताता हूँ गाइस। किसी भी नेटवर्क को बनाने के लिए दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है, हार्डवेयर और प्रोटोकॉल की। इनका काम होता है डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए रास्ते बनाना और सभी डिवाइस को पहचान देना और डाटा को कस्टमर के समझने लायक बनाना। और इसमें तीन प्रकार की कंपनियाँ शामिल होती हैं, Tier 1, Tier 2 और Tier 3। यह तीनों मिलकर किसी कस्टमर तक इंटरनेट पहुंचाती हैं। टेक्निकल लैंग्वेज में इन सभी कंपनियों को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहते हैं। टीयर वन कंपनियां देशों को इंटरनेट से जोड़ती हैं। ऐसा करने के लिए उन्हें समुद्र के अंदर केबल बिछाने होते हैं। ये केबल ऑप्टिकल फाइबर केबल होते हैं। ये केबल जहां जुड़ती हैं उस जगह को लैंडिंग पॉइंट कहा जाता है। और टीयर टू कंपनियां इन टीयर कंपनियों से ट्रांजिट खरीदती हैं और देश भर में अपने केबल बिछाती हैं और टावर लगाती हैं। ये थियरिंग एग्रीमेंट के तहत इंटरनेट ट्रैफिक एक्सचेंज करती हैं। टीयर थ्री कंपनियां टीयर टू कंपनियों से इंटरनेट ट्रांजिट लेकर आपके घर तक इंटरनेट सेवा पहुंचाती हैं। इंटरनेट को आप तक पहुंचाने के लिए जिस टेक्नोलॉजी और जिस इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रयोग होता है, इसके रख रखाव के लिए ही कंपनियां आपसे पैसा लेती हैं। गाइज, ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।